बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डीएम ऑफिस में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि विभिन्न विभागों के आपसी समन्वयन बनाकर गांव-गांव में लोगों को भ्रूण हत्या पर रोक, बेटियों की शिक्षा और बेटियों के जन्म पर खुशी मनाने के लिए जागरूक करने के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि इस अभियान में मीडिया का भी सहयोग लेते हुए जन जन तक पहुंचे। डीएम ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि कन्या के जन्म के समय उत्सव मनाने का सांस्कृतिक कार्यक्रम छेड़ा जाए, प्रत्येक माह में बालिकाओं के जन्म पर मिठाई का वितरण, गौरव सम्मान पत्र आदि देने का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाए। साथ ही आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार की बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भी कार्य किया जाए। उन्होंने आशा ANM एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा किशोरी एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। डीएम ने कहा कि गलत तरीके से भ्रूण जांच करने वाले चिकित्सकों की सूचना देने वालों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो सर पहला बिंदु इसी क्या सर, उसके बाद पहले बिंदु में सर ख है पेज दो नंबर पेज की सर, उसमें क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम दो तरह से किया जाना है सर। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सर मेरी ब्लॉक स्तर पर ही होना है कि वो गांव में जाए और जब भी किसी ने भी बैठक करे तो उसमें इस बिंदु को जरूर रखें सर, और इस पर बेटी के जो लिंगानुपात घट रहा है उसके संबंध में सर उस पर चर्चा करें, और जो भी माताएं आती हैं उनके यहाँ बच्चे आते हैं उनसे इस चीज़ को अवेयर करें। इससे इसमें भी सर युवाओं को जो युवक और युवती मंगल दल बना हुआ सर उनमें से जो अच्छे काम है उनको बुलाना है सर, और विद्यार्थियों को जो अच्छे टीचर्स हैं ब्लॉक स्तरीय उन सबको बुला के सर दिल्ली कॉलेज के टीचर्स को प्रिंसिपल को एक प्रोग्राम चर्चा टाइप सर करवाना, जिसमें कि एक दूसरे से बात संवाद करके इस मुद्दे पर सर चर्चा करें। सबसे कौन आए कोई है इस अच्छा अब क्या ओरिएंट करना है भाई, क्या ओरिएंट करेंगे हम लोग, क्या बताओगे क्या सिखाओगे क्या करना है सर इसमें? जैसे महिला समाज करना है बेसिकली क्या ये भ्रूण हत्या उसमें 280 के आसपास सेंटर के लिए लाइसेंस दे रखा है हम लोग है तो स्वास्थ्य विभाग का और बाकी विभाग का क्या क्या काम है नंबर।